आज हम देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के ऊपर कब्जा क्यों नहीं किया, जहां तक उसने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया के साथ सारी जगहों को घेरा हुआ था। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर हम रिएक्शन देने वाले। वीडियो देखते हैं, फिर आपके साथ कुछ बातें मैं भी अपनी शेयर करता हूं। फिर आइए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बिजनेस के पर्पस से आई ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया, हमें पता भी नहीं चला। पूरे 200 सालों तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर राज किया, इसी बीच अंग्रेजों ने भारत को अच्छी तरह से लूटा भी, और इसी के साथ साथ हमें इंडिया में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। खैर, इन सब चीजों के बारे में तो आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन शायद से आपको ये नहीं पता होगा कि भारत का एक छोटा सा पड़ोसी देश है, जिसे अंग्रेज चाह करके भी अपना गुलाम नहीं बना पाए। और सिर्फ अंग्रेजी नहीं, इवन मुगल्स भी इस छोटे से देश पर कब्जा करने में नाकामयाब रहे, और वो छोटा सा देश था नेपाल। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? अपने टाइम में दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी एंड पावरफुल एम्पायर होने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल को अपना गुलाम क्यों नहीं बना पाई, आइए समझते हैं। नंबर वन, गोरखा सैनिक। अगर किसी ने नेपाल को ब्रिटिशर से बचाने में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है तो वो है गोरखा सैनिक। नेपाल के पास गोरखा सैनिक थी, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा ब्रेव और ताकतवर थी। बहुत बार गोरखा एंड ब्रिटिश दोनों आर्मी के बीच में डायरेक्ट वॉर हुए हैं, लेकिन मोस्टली टाइम गोरखास ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक को हराया है। गोरखा के पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े डिक्टेटर यानी कि हिटलर भी अपनी आर्मी में गोरखास को रखना चाहते थे। सेकेंड रीजन है नेपाल की ज्योग्राफी। नेपाल एक पहाड़ी एरिया है, चारों तरफ से नेपाल बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है। अगर किसी को नेपाल पर विजय हासिल करना है तो उसे इन बड़े बड़े पहाड़ों पर लड़ाई करके सरवाइव करना पड़ेगा। वहीं अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इन्हें पहाड़ों पर लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। शुरू से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैदानी या प्लेन सरफेस वाले एरिया पर लड़ाई लड़ते आ रही थी, और नेपाल के एनवायरनमेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि नेपाल का एनवायरनमेंट बाकी देशों से काफी ज्यादा अलग है। नंबर थ्री, नेपाल रिलेशन विथ ईस्ट इंडिया कंपनी। नेपाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के रिलेशन भी काफी हद तक सही थे। एग्जाम्पल के लिए, जब ब्रिटिश एंड गोरखास के बीच में एंग्लो नेपाली वॉर स्टार्ट हुआ तो इसे खत्म करने के लिए 4 मार्च 1816 में एक सुगोली ट्रीटी पर साइन हुआ, जिससे नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई भी शांत हो गई और दोनों के रिश्ते भी पहले से ज्यादा बेटर हो गए। और नेपाल में बहुत सारे ऐसे राजा भी आए थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से अच्छे रिलेशन मेंटेन कर रखे थे और उनसे ट्रेड भी करते थे, जिसकी वजह से भी नेपाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा करने का नहीं सोचा। नंबर फोर, नेपाल बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ब्रिटिशर्स ने नेपाल पर इसलिए भी कब्जा नहीं किया क्योंकि नेपाल इंडिया एंड चाइना के बीच में है, और उस टाइम चाइना में मंगोल एम्पायर राइज हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी मंगोल से लड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था कि मंगोल से लड़ने में ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत तगड़ा नुकसान होगा। इसी कारण जब ब्रिटिशर्स नेपाल के ईस्टर्न एरिया में पहुंचे तो नॉर्थ में नेपाल के बॉर्डर पर मंगोलों ने भी कैंप लगा लिया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को आइडिया लग गया कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो मंगोल से उन्हें लड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर में डाल दिया। अगर आज के इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को शेयर जरूर करना एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए इस पूरे वीडियो में आपने जो देखा और समझा उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखिए, सबसे स्पेशल बात मैं यहाँ पे ये करूँ, देखो मैं अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले की बात करूं तो जो मुगल्स थे, मुगल से पहले के जितने भी बड़े बड़े पावरफुल बादशाह आए, उन्होंने भी नेपाल पे कब्जा नहीं किया। देखो, उस टाइम पे ना तो आपके पास टैंक थे, ना तो आपके पास जो है प्लेन्स थे कि आप जो है ना उड़ के जा सको, और उड़ के जाने में भी ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। यहाँ पे हम ये बात करें कि नेपाल एक पहाड़ी देश है, और पहाड़ी देश की वजह से उसका जो ज्योग्राफी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से आप जो है ना उस पर कब्ज़ा नहीं कर पाते। और दूसरी चीज़ कि नेपाल पर कब्ज़ा करके भी आपको क्या मिल रहा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें पाकिस्तान, इंडिया और जो बांग्लादेश है, इसके बीच में काफ़ी सारी माइंस थी, गोल्ड की माइन है और भी काफ़ी सारी है। पाकिस्तान के अंदर अभी भी गोल्ड की बहुत बड़ी माइन है, गोरखा की जो बहादुरी है, जिसकी वजह से आज तक इस पे कोई कब्जा नहीं कर पाया। और इसी कब्जे के ना करने के पीछे काफी और भी रीजन थी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब।